नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पुराना एंटीबायोटिक है। 80s 90s में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, डॉक्टर वहाँ पर इसको प्रिस्क्राइब करते थे। आज भी इसका यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन प्रिस्क्राइब कम किया जाता है, उतना ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। ये बहुत ही किफ़ायती एंटीबायोटिक है, यानी कि कम दाम में ये मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छा एफिकेसी की तरह ये काम करता है। आप इसको हर तरह के इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सब जगह ये काम कर जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम करता है। तो चलिए पता करते हैं कौन सा एंटीबायोटिक है। तो ये कॉम्बिनेशन में आता है, जिसका नाम है आपको सल्फामेथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन। यही दो ड्रग का ये कॉम्बिनेशन है, जिसको कॉमनली को ट्राइमेथोक्साजोल भी कहा जाता है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है आपको, 10-20-30 रुपए में आपको मिल जाता है आसानी से। अगर इसका क्लास की बात करें, किस क्लास से ये बिलोंग करता है, तो ये सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देता है। एक एंजाइम होते हैं जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ये सिंथेसिस उस एंजाइम को काम करने नहीं देता है, तो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए नहीं बन पाते हैं, उनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक भी सिंपल ही है, ओरल फॉर्म में इसको लेते हैं। ओरल फॉर्म में लेने के बाद क्या होता है कि बॉडी में ये जाता है, एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन स्किन में आपको मिलता है, यूरिन ट्रैक्ट में मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, खास करके लंग्स में आपको मिलता है, स्किन पूरे स्किन में और प्रोस्टेट एंड किडनी में इसका ज़्यादातर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल पाता है, और ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हुआ आपको कैसे काम करता है और बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे जाता है, लेकिन इसका यूज क्या क्या है, मेन वो पार्ट है। तो सबसे पहले इसको आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो। ये कॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड दोनों तरह के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है। उसके अलावा लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चाहे अपर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, वहां भी इसका यूज आप कर सकते हो। यानी कि जो सिंपल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, या फिर किडनी इन्फेक्शन जहाँ जिसको हम लोग सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग आसानी से किया जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आपको सिम्टम्स नॉर्मल होता है कि बार बार पेशाब लगना, या फिर थोड़ा थोड़ा पेशाब होना, जलन होना, लोअर एब्डोमिनल दर्द होना, तो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड, इसका वाइडली यूज होता है निमोनिया में, खासकर निमोनोसिस्टिस में, यानी कि एक तरह का बहुत ज़्यादा ही सीवियर निमोनिया होता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस दवा का उपयोग करते हैं। ब्रोंचाइटिस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस में इसका यूज ज़्यादातर अच्छे तरीके से होता है। निमोनिया का मतलब हुआ कि फेफड़ों में पानी भर जाना, और ब्रोंचाइटिस का मतलब होता है कि श्वास नली में सूजन हो जाना। दोनों का दोनों काम तब होता है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस केस में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा, इसका बहुत अच्छा यूज होता है स्किन इन्फेक्शन में, जिसमें आपको जो बहुत भारी भारी घाव होते हैं उसको ये सुखाने में हेल्प करता है। कभी कभी फॉलिकुलाइटिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बलतोड़ बोलते हैं, बाल टूटने की वजह से फोड़े हो जाते हैं, उसमें मावा जम जाता है और वो जो पस होता है वो पूरा पक जाता है, दर्द होती है, तो उसको सुखाने को लिए, ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेलुलाइटिस में इसका यूज़ करते हैं, इम्पिटिगो में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन में खास करके चेहरे को और पैर को अफेक्ट करते हैं। ये पार्ट लाल हो जाते हैं और इनमें दर्द हल्का फुल्का रहता है और कभी कभी खुजली होती है, ठीक है। तो ये आपका सेलुलाइटिस और इम्पिटिगो है, एक तरह का बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा कोलेरा में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया में ये बहुत अच्छे से काम आता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। इसमें ट्रेवलर्स डायरिया का मतलब होता है कि अगर आप कोई कंटामिनेटेड, यानी कि जिसमें दूषित पानी खाना खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब होता है वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके वजह से बार बार बाथरूम हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, उनको ठीक करने में ये मददगार होता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने में ये हेल्प करता है, खासकर मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने में ये हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं ना कान बह रहा है, कान में दर्द हो रही है, तो उन कंडीशन में उस इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा HIV वगैरह में, या फिर इम्यूनिटी से किडनी का कमज़ोर इम्यूनिटी है उसकी वजह से अगर किडनी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे भी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करके ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है।
इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जो सोयल वगैरह में पाया जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में, स्किन में या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस बैक्टीरिया को भी ये खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जगह आप इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो डोज इसका 1:5 का रेशियो बनता है, जिसमें आपको 160 प्राइमेथोप्रिन और 800 आपको सल्फामेथोक्सिजोल कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको दिन में 2 बार यूज करते हैं। सीवियरिटी के बेसिस पे भी आपका डोज आपको बन सकता है। कभी कभी 40 mg आपको प्राइमेथोप्रिन मिलता है और आपको सल्फामेथोक्सिजोल 400 mg मिलता है। बच्चों में ये 20 mg और 400 mg हो जाते हैं, यानी ट्राइमेथोप्रिन 20 mg जाता है और सल्फामेथोक्सिजोल 400 mg हो जाता है। तो हमेशा 1:5 के रेशियो में ये काम करता है, ठीक है। अगर इसे साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें नौसिया वॉमिटिंग का मतलब है कि या तो उल्टी हो जाना या फिर उल्टी उल्टी लगना, डायरिया का मतलब है पेट लगातार बाथरूम होना, और कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि बाथरूम नहीं होना। ये कॉमन है। इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी देखने को मिल जाता है, जैसे खुजली वगैरह देखने को मिल सकती है। कभी कभी ये क्या करता है, लीवर के ऊपर और किडनी के ऊपर सीवियर साइड इफेक्ट दिखा देता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से हमेशा परामर्श लेना चाहिए। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, किन दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, तो मेथोट्रेक्सेट के साथ और उसके अलावा फिनाइट्रोइन के साथ, यानी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो मिर्गी के दौरे वगैरह में काम आते हैं। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट जैसे वारफरिन, जो खून को थक्के जमने से बचाने में काम आता है, या फिर एंटीबायोटिक्स हो गए, या फिर ACE इनहिबिटर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डिजॉक्सिन हो गया। उसके अलावा आपको डायबिटिक्स हो गए या फिर एंटीबायोटिक्स हो गए, इनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है कोट्राइमोक्साजोल, ये इन दवाओं का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन दवाओं से हमेशा 2 घंटे का एक को डिस्टेंस रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए लेने के पहले। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ पर इसका उपयोग गलती से ही मत करिएगा। और कभी भी कोई भी दवाई का उपयोग करिए तो हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेसर का हेल्प लेके, उनसे बात करके, उनका एडवाइस लेके ही करिए। ऐसे ही किसी दवा का उपयोग मत किया करिए। ब्रेस्ट फीडिंग में भी दवा सेफ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।